जाएगा ना मेकअप? हाँ हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। प्रॉपर अनुष्का शर्मा लगोगे आप? ऐसा ही था, सेम था, सेटल हो गया होगा उसका भी, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ गाला पहन लीजिए उसके बाद उसको मुझे एग्जैक्टली ये स्मोकी आई वाला है ना, यही चाहिए। हाँ हाँ, तो पूरा अनुष्का शर्मा बनाएंगे। हाँ हाँ अदिति तू ना क्रिम करना चालू करते, मैं इनका मेकअप स्टार्ट करती हूँ। और बाल वो कर्ली। हाँ। निहारिका बेटा, बिना ट्रायल ये मेकअप आर्टिस्ट बुक किया है, जस्ट होप ये ब्लंडर ना कर दे तेरा मेकअप का, नहीं तो तेरा हो जाएगा पोपट। निशु जैसे तू भी पहचान में नहीं आएगी, इट्स बेटर पूछ ले। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी लास्ट मंथ, तो मेकअप वाली ने ना बहुत ब्लंडर कर दिया था उसके साथ। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर मेकअप, बहुत लाउड हो गया था उसका मेकअप, तो वो पहचान में नहीं आ रही थी कि वो है। आप टेंशन मत लीजिए, आपने जैसा फोटो दिखाया ना वैसे ही मेकअप करेंगे। कमाल की चीज है मेकअप, ये कर क्या रही है बहन, थोड़ा प्यार से आंख में ना घुसा देना। 10th के बाद सीख लेना चाहिए था मेकअप मुझे। मेकअप कब तक रहेगा, मतलब बारात आने को भी 2 घंटा बाकी है। आराम से 8 to 10 आज आराम से टिकेगा। फिर बस आप रोगे ना तो थोड़ा ज्यादा दबा के पोंछना मत, डैब कैसे डैब करना। मेरा फेस बहुत ऑयली है एक्चुअली, आप ये पिंपल मार्क्स छुपा देंगे ना? ये गरम क्या लग रहा है? ओह ये कर रही है, अरे धीरे बहन, अरे लेडी भीम इतना खींचेगी बाल निकल जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो बनाएगी क्या? गरम है ना, स्ट्रेट नहीं होगा ना, आराम से। स्ट्रेटनिंग के चक्कर में गंजी मत बना दियो बस। कितना क्रीम बे, अभी तो कुछ लगाया था, ये क्या वापस? दो टाइप का फाउंडेशन आपके स्किन टोन को मैच करने के। स्किन टोन को मैच तो पूरी बॉडी में लगाओ, सिर्फ मुंह पे क्यों? हाथ पैर गला सब अलग दिखेगा ना, बट अंदर कौन देख रहा है। ठीक है लगा। अब थोड़ा ब्लिंक कम कीजिए, अब आँख बंद करके बैठिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। ये क्या बात हुई, ब्लिंक करना नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, मेकअप आर्टिस्ट से तो कुछ भी बोलेगी क्या? आप ऊपर देखिए, गर्दन नीचे, आईज ऊपर। मेकअप कर रही है, कसरत करवा रही है मुझसे, एक ही बार में पहले से बता दे ठीक से। धीरे धीरे, ढोल क्यों बजा रही है मुंह पे, मेकअप आर्टिस्ट या ढोल वाली? छोड़ दे मेकअप, ज्वाइन कर ले बैंड बाजा पार्टी, दुल्हन हूँ यार, ट्रीट मी नाइसली। सर सीधा रखिए। साला दोनों में खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक कुछ और बोलती है दूसरी कुछ और बोलती है, पक्का दोनों का झगड़ा हुआ है। मेरा मेकअप खराब हुआ ना, मैं उठ के चली जाऊंगी। आराम से आप स्ट्रेट बैठिए प्लीज, वो बहुत प्यार से खींच रहे हैं थोड़ा। अभी भी थोड़ा आराम से, सॉरी। ये ब्लैक वाली को तो ना मैं उठ के ऐसा मुक्का मारूंगी ना मुंह में, साली बाल खींच रही है, चटके दे रही है, अब दुल्हन की जानवर हूँ, ट्रीट मी नाइसली। आप ठीक हो? नाक में जा रहा है ब्रश, हो गया बस मेकअप, पक रहा है सॉलिड। अबे तू जा कहाँ रही है, तू जाना कहाँ चाहती है, इतना डीप मेकअप भी नहीं करना यार, मुंह तक रहो, सीधे रहो सर। इसको तो मैंने पक्का एक घूसा मारना है, इतना गंदा कौन ट्रीट करता है यार। अरे फिर से, सच में या तो इसको आता नहीं है या तो ये खुन्नस निकाल रही है, पागल कहीं की। ऐसे कोई ट्रीट करता है क्या? 1 घंटे से बाल बना रही, कुछ हुआ नहीं अभी तक, पता नहीं क्या बनाना चाह रही है, फोटो दिखाया तब भी नहीं अकल आ रही कि कैसा चाहिए। ये फिर आ गई कुछ नया लेके, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाएंगे मुंह पे, ना पता नहीं कुछ पता नहीं, और बाद में बोलेंगे इतने इतने हजार हो गए, सब बिजनेस है। आपको चाहिए तो आप फोन से वो पिक्चर देख लीजिए। नहीं मैंने देखी है, मुझे याद है एग्जैक्ट वैसा ही। हाँ हाँ एग्जैक्ट वैसे, पर आपके लहंगे से मैचिंग करेंगे। उसका लहंगा ब्लू था ना? हाँ आपका मरून है, तो थोड़ा सा ब्लू नहीं कर सकते आपकी आंखों में, पर वो ब्लू कॉन्ट्रास्ट में अच्छा नहीं दिखेगा, फेस पे खुजली हो रही है। वो आपको ज्यादा आदत नहीं है ना मेकअप लगाने की, मे बी इसलिए। भूत हूँ मैं, अच्छा है बट वो थोड़ा डार्क, वो आप लाइट्स के नीचे जाओगे ना तो अच्छा दिखेगा, वो सेटल होने को थोड़ा सेटल होने को थोड़ा टाइम लगता है, ब्राइड हो ना अलग से दिखता है। तू नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं ब्राइड हूँ। हो जाएगा ना सेटल? हाँ शादी तो शादी, मेकअप भी अपने चॉइस का नहीं कर सकते, ब्लू आईज चाहिए तो नहीं, इनको रेड आईज करना है। कब खत्म होगा यार ये सब? बैक पे झटका लग रहा है, टॉवल पीछे रख, थोड़ा टॉवल रख देना दीदी, उनको झटका लग रहा है। कितना टाइम और अभी? अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बाकी है ना अभी काफी कुछ, ब्राइड होने में तो टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे भी बैठना है, वहाँ पे भी बैठना है, क्या करे ना, फोटोज में अच्छा दिखना है तो बैठना तो पड़ेगा ना। आप बंद कर लीजिए।
नहीं करनी शादी, अब तक लग रहा था शादी टॉर्चर है बट ये मेकअप उससे कहीं ज्यादा टॉर्चर है। फिर आ गई है, आंख बंद करो। मेरा स्टेप क्या था, घर से भागी मैं भागी घर से तारे वास। अपना अच्छी मत लगेगा आपको पीछे। रिसेप्शन के स्टेप्स प्रैक्टिस करो। अब इतना हिलोगे फिर आपको चटका लग जाएगा वापस। आप इतना हिलोगे तो आपका चटका लग जाएगा वापस। अब आप बंद रखो, मैं आईलाइनर लगा रही हूं आपको। ऑब्वियसली खुली आंख में लगती भी नहीं है। प्यास लग रही है। थोड़ा संभाल के पीना बस, आपका बेस खराब ना हो जाए। सर ऊपर रख के ऊपर। ऐसे कैसे पीऊं पानी गधों, ऐसे पीता है क्या कोई पानी? वो बेस पे गिर रहा है पानी। पानी पीना मुश्किल कर दिया सालों ने। बुझ गई प्यास। फेक लाशेस लगाऊंगा आपको? नहीं, फिर वो निकलेगा कैसे? निकल जाता है, पुल करना पड़ेगा। असली बाल चिपक गए तो परमानेंट थोड़ी चिपका रहे हैं, तो टेंपरेरी लगाना है। बिना उसके नहीं अच्छा लगेगा। आपकी मर्जी है। अनुष्का ने भी लगाया था, मतलब मुझे ऐसा फेक नहीं लगना है। अब ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो जगराता ही होता है। इतना बोर हो रहा है, ऊपर से ब्लाउज इतना टाइट सिलवाया है ना मम्मी ने, इतना टाइट सिलवाने की क्या जरूरत थी, बंदा सांस नहीं ले पा रहा है। ये क्या लेके आ गई, जोकर बनाने का प्रोसेस चालू। अब पूरा गाल पिंक कर देना। एकदम पिंक मत कर देना मेरा गाल। हाँ एकदम सेटल रखूंगी, मुझे वो नो मेकअप लुक चाहिए। अभी जूड़ा बना रही है, जूडो कराटे खेल रही है बाल के साथ। अनुष्का मस्त दिख रही थी ना लेकिन शादी में, बहुत अच्छा लगता है मुझे विराट कोहली और अनुष्का। नसीब है इटली में जाके बैठी। ये क्या है? ये हाइलाइटर आपका तो स्टेज पे ग्लो दिखाई देगा फेस पे। जब ग्लो इसी से आना था तो मैंने पार्लर में 15,000-20,000 का फेशियल क्यों करवाया? अभी मूंछ नाक में कौन ग्लो लाता है यार? अभी दुल्हन हूँ, जुगनू नहीं हूँ, कितना ग्लो करूंगी स्टेज पे? ये क्या लगा रहे हो आप सर पे? स्टफिंग है ना, इसको हाथ में लगा। तो ये इतना ऊंचा रहेगा क्या? हाँ तो मैं तो खुद लंबी हूँ, फिर ये भी लंबा तो मैं, और मेरे हील्स भी हैं। ठीक है तो आप उनको बिना पफ वाला ही बना दो पफ। ठीक है छोटा सा पफ बनाएंगे। हाँ फिर वो 2 घंटे हो गए इतना मेकअप कर रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। ऐसा भी कुछ मत बना देना कि कल पति मेरा मुझे पहचानने से ही मना कर दे। वो बाल में पाउट कीजिए। पाउट पाउट की तो हेलो मेरी शादी है, मैं बोलूंगी। टाइम प्लीज। वो बाल में वो स्प्रे क्यों मार रहे हैं? ताकि आपका हेयर स्टाइल जैसा है वैसा टिका है। पर मैंने सुना उसे बाल व्हाइट होते हैं फिर। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हमने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे वगैरह सब मारा हुआ है ना। आओ वो खींच रहे हो आप तो दुख रहा है ना। आपको स्टफिंग भी नहीं चाहिए, आपको बैककॉम भी नहीं करेंगे तो हम पफ कैसे बनाएंगे? पफ जरूरी है क्या? हाँ ठीक से बात करने नहीं आता है। ये क्या लेके आई, आंख के तो 100 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास पर नीचे आगे पीछे हर जगह लगा दिए। अंधी बना दे मुझे, अंधी बना दे तू। लिपस्टिक लग रही है मतलब मेकअप कम्प्लीट होने आ रहा है, अब बस बाल बाकी है, ज्वेलरी एंड देन पास खत्म। इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा बस, थोड़ा सा खोलना, थोड़ा बड़ा बस, मेकअप हो गया, बस लास्ट टच अप कर देती। फाइनली खत्म। और थोड़ा प्यार से गर्दन तोड़ देगी क्या? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना। तो गर्दन तोड़ेगी, प्यार से बोलना, मैं खुद घुमा सकती हूँ। 2 डजन पिन लगा चुकी, अभी तक जूड़ा नहीं बना। मेरा अकेले का बना रही, पूरे गांव का बना रही है? धीरे यार, खून ना निकाल देना। ऐसा लग रहा है सर पे बाल कम और पिन ज्यादा है। ये सारे दर्द वाले काम लड़की को ही क्यों करने होते हैं? मेकअप में भी इतना दर्द, दूल्हे को क्या ही करना होगा? पैजामा पहनेगा, नाड़ा बांधेगा, ऊपर सहरा लगाएगा, कुर्ता पहनेगा, बस तैयार। बहुत ज्यादा टाइट है। अभी आपको 3 घंटे इतने टाइम तक हेयर स्टाइल चलाना है तो वो टाइट तो होना चाहिए ना, वरना आपका दुपट्टा भी फिसल जाएगा और सर दुखने लगेगा। वो नहीं दुखेगा, अभी आपको थोड़ा साथ साथ में लगेगा, उसके बाद में आप यूज्ड हो जाओ। हैं यूज्ड हो जाओगे क्या होता है, ये शादी है या ये? इससे अच्छा तो जेल चली जाऊं, कसम से वहां पे कम टॉर्चर होता होगा। मेरी शादी में मुझे छोड़ के सारे मजे कर रहे हैं, मम्मी मौसी चाची रुचि गुड़िया बिल्लो खुशबू कोई नहीं आ रहा है, सबको मेरा श्राप लगेगा। हम नॉर्मल फूल लगा लें, रेड रोज। हाँ ये रेड रोज ही है, बस थोड़े आर्टिफिशियल वाले। आप रियल बोलते तो हम पहले लेके आते ना आपके लिए। अनुष्का ने भी तो पूरे रोज से कवर किया था। अबे नहीं बनना अनुष्का यार, पता नहीं उसने कितने करोड़ों की शादी की इटली में जाके, वो भी विराट कोहली से और मेरी हो रही है इस खजूर से। इतनी बड़ी बिंदी स्टेज पे अच्छा दिखेगा ना। शादी अभी तक हुई नहीं है ना, छोटी है आपके पास। ठीक है ठीक है, ये थोड़ा रेड रेड है ज्यादा, लेकिन आपका आउटफिट भी तो रेडी है। हर बात का जवाब है इसके पास। फाइनली 4.5 घंटे बाद इनका प्रोग्राम खत्म तो हुआ। ससुराल वालों से ज्यादा तो अब इनसे ही डर लग रहा है मुझे। बस बस हो गया, हो गया ना पूरा। हाँ, हाँ। स्माइल कीजिए आप, ब्राइड हो ना, ये सेटल हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। जो फोटो दिखाई थी वैसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, बट
समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं इन लोगों को। अच्छा है घंटा, अच्छा है, पता नहीं क्या बना दिया है। Hello, so these are the two brilliant makeup artists with me right now. And ये सारा कुछ इन्होंने ही फैलाया मेरे मुंह पे. But trust me, they are brilliant at their work. All their business details are in my description below. You can also go to my Instagram page. I'm gonna tag them. Don't forget to like the video, turn the black thumb blue, subscribe कर दो, please push on the bell notification so that you get notified whenever I upload a new video. And share this video with every bride, like जो bride रह चुकी है, जो बनने वाली है. I know what you go through. And these guys, what they make you go through. Big cheers to all the brides who have been through this torture. And but they make you look beautiful, right? So fir contact the two beautiful artists who are with me in the frame right now. See you next week. Tada, bye bye. I just want to like take this away from me.